बसमिल्लर रही असल वीवरस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे टेंथ कंप्यूटर यूनिट नंबर थ्री कंडीशनल लॉजिक की एक्टिविटी थ्री पॉइंट फाइव स्टूडेंट्स हमारी आज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और आज हमें कॉड ब्राइड करने का भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा तो आइए हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम अपनी एक्टिविटी की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं राइट अ प्रोग्राम एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स टू इंटीजर एज इनपुट और वो प्रोग्राम दो इंटीजर इनपुट के तौर पर यूजर से लेगा एंड आस्क द यूजर टू इंटर अ च्वाइस फ्रॉम वन टू फोर और यूजर से कहेगा एक से लेकर चार तक कोई भी नंबर च्वाइस के तौर पर इनपुट करें द प्रोग्राम शुड परफॉर्म द ऑपरेशन और जो हमारा प्रोग्राम होगा वो हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा कुछ अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल नीचे टेबल दिया गया है इसके मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट और जो नतीजा होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस दी गई है कि अगर यूज़र वन इंटर करता है तो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करे अगर यूज़र टू इंटर करता है तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करे अगर यूज़र थ्री इंटर करता है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करे और अगर यूज़र फोर इंटर करता है तो डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी थ्री पॉइंट फाइव की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइए बगैर टाइम ज़्यादा कि ये इसका कोड राइट करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स उसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से हमेशा की तरह दरखास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आइए अपना कोड राइट करते हैं इस एक्टिविटी का तो सबसे पहले तो हम दो इंटीजर और एक चॉइस के लिए वेरिएबल लेंगे इंट डेटा टाइप के अंदर तो ये मेरे पास इंट डेटा टाइप आ गई है ए वेरिएबल b वेरिएबल और च्वाइस के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले हम a वेरिएबल और b वेरिएबल को यूजर से कहेंगे कि इनपुट करें तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और मैसेज स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इंटर फर्स्ट नंबर देन स्कैन एफ की मदद से मैंने इनपुट लिया यहाँ पर मैं परसेंटेज डी यूज करूंगा क्योंकि मैंने ऊपर इंटीजर इंट का लिया हुआ है और एंड के साथ अपना वेरिएबल लिखूंगा और इस तरह मैं अपना फर्स्ट इंटीजर यूजर से इनपुट ले लूँगा मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और हमने यूज़र से कहना है कि सेकंड इंटीजर भी इनपुट करें और इस फर्स्ट की जगह अब मैं लिख देता हूँ सेकंड और यहाँ पे एक ही जगह मेरे पास आ जाएगा बी तो जी ये हमने यूज़र से दो वेरिएबल यानी दो इंटीजर इनपुट ले लिए एक ए और दूसरा हमारे पास बी इनपुट ले लिया ठीक है यूजर ने ये दोनों नंबर इनपुट कर दिए और अपने आउटपुट को जरा मजेदार तरीके से दिखाने के लिए मैं वन, फोर, चार प्रिंट एफ करूंगा कि जो मैंने करने हैं, तो पहला प्रिंट एफ में ले रहा हूं वन यानी अगर यूजर वन प्रेस करता है तो क्या काम करेगा एडिशन का और यहां से नेक्स्ट लाइन पर चला जाए ठीक हो गया मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यूजर अगर टू प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और यूज़र अगर थ्री प्रेस करता है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और अगर यूज़र फोर प्रेस करता है तो डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करना है आइए इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले कैसे आ रहा है तो ये मैंने इसको रन किया तो ये भी हमसे पूछ रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर ये मैंने फर्स्ट नंबर इंटर कर दिया अब मुझसे पूछ रहा है कि इंटर सेकेंड नंबर ये मैंने सेकेंड नंबर इनपुट कर दिया और मेरे पास चॉइस आ जाएगी फर्स्ट एडिशन के लिए टू सब के लिए थ्री मल्टीप्लीकेशन के लिए और फोर डिवीजन के लिए आइए अब च्वाइस का जो वेरिएबल है वो यूजर से इनपुट करवाते हैं प्रिंट एफ, एफ स्कैन की मदद से हमने इनपुट करवा दिया परसेंटेज डी और एन के साथ मैंने क्या लिख दिया च्वाइस अब मैं डिसीजन लेने के लिए इफ की का यूज कर रहा हूं और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इफ अगर चॉइस इज इक्वल टू वन के है तो क्या करना है आपने एडिशन करना है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज डी देन प्लस देन परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी तो पहले परसेंटेज की डी की जगह पे ए आ जाए दूसरे परसेंटेज डी की जगह पे बी आ जाए और तीसरे परसेंटेज डी की जगह पर ए प्लस बी आ जाए तो ये जी आ गया इसको एक दफा रन करके चेक करते हैं साथ साथ आगे हमें पता लगे कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है तो ये जी फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर और च्वाइस हम लिख देते हैं अभी सिर्फ फर्स्ट तो ये देखें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया फिफ्टीन आ गया तो अब हम लिखते हैं कि अगर यूजर वन के अलावा कोई नंबर इनपुट करता है तो फिर क्या करना है एल्स मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट कर दिया अगर यूज़र टू इंटर करता है तो आपने क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट आ जाएगा मैं इसको अगेन पेस्ट कर रहा हूँ और अगर यूज़र थ्री इंटर करता है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी, भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसी तरह अगर यूज़र फोर इंटर करता है तो आपने डिवाइड कर देना है तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो ये था हमारा होल प्रोग्राम मैं आपको एक दफ़ा कोडिंग पूरी दिखा देता हूँ तमाम स्क्रीन पर तो ये थी हमारी मेन कोडिंग जो हमने इस एक्टिविटी के लिए परफॉर्म की आइए अब इसको रन करते हैं वन बाय वन एक एक करके हम चॉइस डालेंगे और रिजल्ट चेक करेंगे तो ये जी हमारे पास आ गया जी फर्स्ट नंबर हम फाइव ले लेते हैं सेकेंड नंबर हम टेन ले लेते हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कोई एक नंबर इनपुट करें तो पहले मैं वन इनपुट कर देता हूं तो ये देखें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया अब मैं टू ले लेता हूं यानी च्वाइस के तौर पर टू आ जाएगा फाइव सेकंड नंबर टेन और च्वाइस मेरे पास टू है टू पे क्या लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जी सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस फाइव अब हम च्वाइस के तौर पर थ्री लेंगे वही हमारा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के तौर पर थ्री आ गया और थ्री में क्या था मल्टीप्लाई करना है तो फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन आंसर क्या आ गया आपके पास फिफ्टीन आ गया और अब हम अपना चौथा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर आपकी बारी में फर्स्ट नंबर टेन कर लेता हूँ और सेकेंड नंबर टू कर लेता हूँ च्वाइस मेरे पास क्या आ गई फोर तो ये देखें टेन डिवाइडेड बाई टू आंसर क्या आ गया फाइव आ गया तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एक्टिविटी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो कोडिंग का स्टाइल है वो बड़ा ही मज़ेदार लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब करें मुझे अपनी दवाओं में याद रखिएगा मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर